नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो इसी को लेकर आज विधानसभा का घेराव किया जाएगा। क्या खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज विधानसभा का घेराव करेंगे संविदा कर्मचारी, सरकार पर लगाया आवाज़ दबाने का आरोप, पुलिस ने सुरक्षा कर दी कड़ी। कोविड-19 आउटसोर्स कर्मचारी आज विधानसभा का घेराव करेंगे। दूरदराज क्षेत्रों से आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर बैठने के लिए बिस्तर लेकर पहुंच गए हैं। कुछ संगठनों के प्रतिनिधि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मिले हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगें उनके समक्ष रखी हैं। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग वीर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के दौरान आउटसोर्स पर नियुक्त 2500 कर्मचारियों को निकाल दिया है। इनमें वार्ड बॉय, स्टाफ डाटा ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, सुरक्षाकर्मी, सैनिटाइजेशन वर्कर्स व एम्बुलेंस चालक आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक साल का जश्न मनाने के लिए धर्मशाला आई थी, तो महासंघ के पदाधिकारी व सदस्य रोष जताने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया। कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशा कटोच को भी 5 घंटे तक पुलिस ने थाने में बिठाए रखा। उन्होंने बताया कि पिछले कल विधानसभा अध्यक्ष से मिलने गए थे तो पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया। निशा कटोच ने बताया कि आज सुबह निकाले गए सभी आउटसोर्स कर्मचारी सरकार का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी तक उनके घरों में घूम रही है ताकि वे विधानसभा परिसर तक न पहुंच सके। आरोप लगाया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए हैं, जिसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। तो प्रमुख रूप से यह है बड़ी खास खबर कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के दौरान आउटसोर्स पर नियुक्त 2500 कर्मियों को निकाल दिया है। इसी को लेकर ये आज विधानसभा का घेराव करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।